हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस्केलेट एकेडमी। आज हमारे साथ पल्लवी मैम हैं, जो 2015 बैच की कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं। हम सुनते हैं इन्हीं से इनकी जुबानी, एक इनकी जो जर्नी रही है एक एस्पिरेंट से एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। मैम आप बताएंगे कि प्लीज हमारे जो व्यूअर्स उनको एनलाइटन करिए कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने शुरुआत कैसे की, तैयारी की और क्या क्या स्ट्रगल्स आपके सामने आए, और फाइनली जब आप सिलेक्टेड हुए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरी सीरियस प्रेपरेशन यूपी पीसीएस को लेकर स्टार्ट हुई थी 2013 ऑनवर्ड्स, और मेरी जो मेजर स्ट्रगल प्रेपरेशन को लेकर रही है वो ये रही है कि मैंने जो तैयारी करी है, आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट अ स्ट्रगल, पर मैंने प्रेपरेशन घर पे रह के करी है। मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं करी है इसकी तैयारी के लिए, तो मुझे इनिशियली काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है। हालांकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता था, बट आईड से कि इनिशियल जो मेरी अटेम्प्ट्स रहे हैं वो बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। तो उसके बाद से जो मेरा ये 2015 वाला अटेम्प्ट था, इनिशियली मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी को अपना मेंस का सब्जेक्ट लेके तैयारी की थी, बट सिंस बोथ ऑफ देम वर वेरी वास्ट सब्जेक्ट्स, लॉट ऑफ टॉपिक्स वर सपोज टू बी कवर्ड, तो वो एग्जाम के एंड देते टाइम ना वो प्रेपरेशन प्रॉपरली हो नहीं पाती थी। उसके बाद मैंने 2015 में सोशल वर्क लेके तैयारी करी थी, जिसके बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आया और फिर फाइनल सिलेक्शन 2015 वाले अटेम्प्ट में मेरा हुआ था। यानी कि पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शनल का भी काफी ज्यादा महत्व हो जाता है, डिपेंड करता है एक तो उसमें फ्रेंडली भी कितने हैं और जो आपका जो सिलेबस है वो कितना वाइड है। आप तो खैर फिर भी एक ऑप्शनल हो चुका है, बट जब दो ऑप्शनल होते थे तो उनकी जो विड्थ होती, जो डेप्थ होती थी वो काफी ज्यादा होती थी, अगर तो एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती थी जैसा कि मैम से हमें पता चल रहा है। और ये इंटरव्यू स्पेशली उन लोगों के लिए काफी मोटिवेशन साबित होगा जो बिना किसी गाइडेंस के, जो बिना किसी कोचिंग के तैयारी कर रहे हैं, तो मैम का इंटरव्यू काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। एग्जाम के पहले की जो एंग्जाइटी होती है ना, मुझे ये समझ में आया अपने पहले दो अटेम्प्ट्स में कि मेरा जो सिलेक्शन बहुत कम नंबर से रुका था वो मेजर जो रीजन मैं एट्रीब्यूट करती हूँ वो इसी एंग्जाइटी को, विच आई फील एवरीबडी फेसेस। ये जो एंग्जाइटी होती है क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, क्या छोड़ दें इस वक्त, क्या चीज रिवाइज करें, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत वास्ट चीजें हैं इवन एट द एंड टू रिवाइज। तो जब मैं ये वाला अटेम्प्ट दे रही थी दैट टाइम आई वॉज डिटर्मिंड कि अब की बार आई विल नॉट लेट दिस एंग्जाइटी कम इन बिटवीन माई प्रिपरेशन। जितना हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे से कर लूँ, बस उतना मेरा टारगेट उस टाइम पर था कि जो नहीं हुआ, जो नहीं रिवाइज हुआ, लेट इट बी, बट जो किया वो ढंग से करके जाना है। मेजर फोकस होना चाहिए क्वालिटी पे, नॉट क्वान्टिटी। ये बहुत क्लीशे चीज़ है, सबको पता होती है, एवरीबडी नोज कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी, बट जब हम प्रेपरेशन करते हैं तो एक वो होता है जुनून सवार होता है कि कुछ छूट ना जाए, सब कुछ कर डाले, और उस चक्कर में क्या रह जाता है, द क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज एट द एंड ऑफ द डे। वहां पर आप चार ऑप्शन देखकर भी कंफ्यूज हो जाते हो। मेरा उस टाइम पर 2015 के टाइम पर खुद का ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, देयर वाज नोबडी टू मोटिवेट मी एज सच, और वो मोटिवेशनल फैक्टर था जो मैंने रियलाइज करा इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स दैट दिस पैनिक, दिस एंग्जाइटी इज द मेजर एनिमी जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो। कि मैम आप ये कह सकती हैं कि हमें जो सिलेक्टिव स्टडी की बात की जाती है उसे कहीं ना कहीं लेके चलना ही पड़ता है। बिल्कुल वरना आप मेरा ये मानना है, देखिए आप जब आप इनिशियल तैयारी कर रहे हो, आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप एक महीना पहले या दो महीना पहले, सारे एस्पिरेंट्स तैयारी पहले से करते हैं, यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, पर वो एग्जाम के एंड में आते आते इट इज सीरियसली नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ रिवाइज कर सको क्योंकि वो बहुत वास्ट होता है। जैसे मैं साइकोलॉजी में मेरा मास्टर्स है, तो आई हैव अ वेरी टाइट होल्ड ऑन दिस सब्जेक्ट, अ वेरी टाइट ग्रिप ऑन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी है ये सब्जेक्ट, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो कि जब एग्जाम के एक दो दिन पहले या तीन दिन पहले मैंने सब कुछ पढ़ लिया हो, वो जिसको कहते हैं पूर्व ज्ञान के बेसिस पे आप लिख, इसीलिए होता है पढ़िए सब कि हो सकता है पूर्व ज्ञान के आधार पे आपको चीज़ें याद आ जाए, बट वहां पर मेरा ऐसा मानना है कि जितना लिखिए अच्छा लिखिए। हाँ एक और चीज है, कभी भी पीसीएस के में एक सीरियस सजेशन ये है
कि कोई भी क्वेश्चन डू नॉट लीव इट अनअटेम्प्टेड, उसको अटेम्प्ट जरूर करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अटेम्प्ट जरूर करिए, कुछ तो लिख के आइए, कुछ तो समझा के आइए वहाँ पर, अनअटेम्प्टेड कोई मत छोड़िए। मैम जैसा कि आपने बताया आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मास्टर्स भी किया था, तो आप जो क्या कोई आपको डिफरेंस फील हुआ आपने एकेडमिकली जब आपने उस सब्जेक्ट को चूज किया और जब आप यूपीपीसीएस में उस सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल अटेम्प्ट कर रहे थे? नहीं, फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि जब हम एकेडमिकली पढ़ते हैं तो दैट इज डिवाइडेड राइट, जैसे मेरा 4 सेमेस्टर है तो 4 सेमेस्टर में अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पर पढ़नी होती है कि पहले सेमेस्टर की चीज विल नॉट कम इन द सेकेंड सेमेस्टर, बट जब वही हम यूपीपीएससी या यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें एक बार में ही आपको पढ़नी है, दैट मेक्स इट मोर वास्ट। जैसे मान लीजिए मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, वो एक सेमेस्टर में है, दूसरे में कुछ और आया, इन्वायरमेंटल आई, कुछ और साइकोलॉजी आ गई, तो उसमें फर्क काफी कुछ हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज होती है जब हम एकेडमिकली पढ़ते हैं तो उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है सिंस यू हैव टू राइट इन लिमिटेड वर्ड्स, तो आपको सबसे डिफिकल्ट चीज होती है फॉर एवरी एस्पिरेंट, चीजों का नॉलेज होना इज वेरी इजी बट उसको क्रिस्प करना इज दी मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो मेरा ऐसा मानना था जो जब यूपीपीएससी में हमने दिया था 2015 में, पैटर्न उस टाइम पे थोड़ा ये चेंज हुआ था कि क्वेश्चंस आने लगे थे उसी में यू हैव टू राइट इन लिमिटेड वर्ड्स, उसी आंसर बुकलेट पे वो प्रिंट हो रहे थे जो अब तक चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है प्रिपरेशन में इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स कि आप रिटन प्रैक्टिस जरूर करिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। जैसे वहां पर 2.5 पन्ने होते हैं, 2.5 साइड्स आपको लिखने होते हैं, तो आप 3 या 3.5 पन्ने लिखिए ताकि कुछ भूलिए तो दैट कैन बी कवर्ड अप। तो वो अगर नहीं लिखेंगे ना, जैसे मुझे याद है मैं जब सोशल वर्क लिया था बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू टू मी, मैंने एकदम से चेंज किया था, मैं बहुत कुछ पढ़ के चली गई। अब वहां पर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या छोड़ू क्या लिखू, मेरा बहुत टाइम उसमें चला गया। सिंस साइकोलॉजी वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड तो उसमें मुझे डिफिकल्टी नहीं आई, पर हाँ सोशल वर्क में मुझे डिफिकल्टी इसलिए आई थी बिकॉज दैट वॉज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट, उसी टाइम लिया था तो मुझे आंसर राइटिंग का समय नहीं मिला था। उस टाइम पर ऐसा होता था कि कितना लिख दूँ कितना छोड़ दूँ, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लिख के जाइए, उसी को बार बार पढ़िए और वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड टाइम, पेन उठाने का टाइम नहीं मिलता है। ऑप्शनल्स में आपको पेन उठाने का समय नहीं मिलेगा, इतना क्वेश्चंस होते हैं और इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। पर आंसर आई गेस इट्स 8 to 12 मिनट्स आपको हार्डली मिलते हैं और वो लिखते लिखते पता नहीं चलता। तो मेरे को मुझे याद है क्योंकि साइकोलॉजी वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड तो एक आंसर में मुझे हार्डली 8 मिनट्स लगे थे, तो वो 4 मिनट्स वॉज स्पेयर्ड फॉर अनदर आंसर। और जहाँ पे टाइम लगता है वहाँ पता चलता है 12 के 16 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, वो टाइम फैक्टर। और फिर क्या होता है कुछ आंसर आप लिखना चाहो तो वो छोटे छोटे ही लिख पाते हो, पूरे हो भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर आप लिख के जाओगे प्रिपेयर करके जाओगे प्रॉपरली तो वहां पर बस आपको उतने स्पेस में उतारना रहेगा, उससे आपकी टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स के लिए। ये अब जो पैटर्न आया, पहले क्या होता था 4 सवाल आए 40 मार्क्स के होते थे, 5 सवाल आप लंबे लंबे लिखे जाओ, अब वो चीज पैटर्न चेंज हो चुका है। मैम जो आपकी पूरी तैयारी थी, जैसे आप सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है प्रीलिम्स का, क्योंकि सबसे पहला और सबसे डिफिकल्ट बैरियर माना जाता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ। और क्योंकि मेंस में तो फिर भी आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच में ही फाइट होती है और प्रीलिम्स में, और ये भी एक थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाता है कि मान लीजिए एक भी सब्जेक्ट इधर उधर हुआ, देयर आर अदर सब्जेक्ट्स टू कवर इट अप, पर प्रीलिम्स में वो नहीं है, बाहर तो फिर आप बाहर। तो प्रीलिम्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या जीएस की तैयारी कैसे होनी चाहिए ताकि एक इंसान कम से कम प्रीलिम्स तो क्लियर कर ही ले, क्योंकि एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर गए तो यू आर इन द बैटल, आप रेस में हो कहीं ना कहीं। मेरा देखिए ये मानना है बेसिक किताबें पढ़िए, जो जैसे मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ी थी, और आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, घटना चक्र आने लगी है तो इंग्लिश में भी आने लगी है घटना चक्र वगैरह, उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लस क्रिस्प दोनों मिल जाएगा आपको, फैक्चुअल भी मिल जाएंगे थोड़ी डिटेलिंग भी मिल जाएगी, उस तरीके की प्रिपरेशन आपकी इनफ रहती है। पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, जैसे मैंने कहा जाता है एनसीईआरटी की 6 to 12 एंड ऑल दैट, उतने में जाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो बेसिक किताबें आती हैं मार्केट में उतनी पढ़िए और उतनी प्रिपरेशन के लिए इनफ है। जैसे मुझे भी फिलहाल जो एग्जाम्पल वही आता था, पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, ज्योग्राफी के लिए स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए भी स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, उतना इनफ होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। बस बात वही है कि आपको थोड़ा सा
उस और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िए। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में क्लाउड्स के बारे में पूछते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आया है तो आप क्लाउड का टॉपिक ही उस टाइम पर पूरा देख डालिए, बिकॉज दैट मीन्स दैट इज इम्पॉर्टेंट। कोई बैटल पूछते हैं तो आप उससे आगे पीछे की सारी बैटल पढ़ जाइए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन देखा उसका आंसर याद कर लिया, वो यानी वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर इंटरेस्टेड है, उन बैटल्स पे इंटरेस्टेड है, उन पर्टिकुलर चीज़ों पर इंटरेस्टेड है, तो आप वो टॉपिक उठाकर उसकी पढ़ाई पूरी कर लीजिए। इट्स नॉट जस्ट इट शुड बी जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लीजिए तो काफ़ी कुछ तो मेरे ख्याल में प्री के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही कवर हो जाता है। मैम आपने हमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए एनलाइटन कर दिया, बस आप ये बता दीजिए प्लीज हमारे ऑडियंस को गाइड करिए कि इंटरव्यू कैसा रहा और उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, आपने तैयारी कैसे करी उसके लिए? इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, इसलिए देखिए इंटरव्यू में होता क्या है ना कि आप बेसिक पे फंबल नहीं मार सकते। यू मे नॉट नो सर्टन फैक्ट्स, दैट इज ओके, आप उस टाइम भूल गए यू कैन से सॉरी सर, वहाँ चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड तो That creates a very adverse impact. और जब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, तो मुझे बहुत चीज़ें समझाई गई थी कि डू नॉट रेज योर वॉइस, पहले क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, सारे कुछ। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे, बस एक महीना जितना मैं पढ़ सकती थी अपना सब्जेक्ट पढ़ा, करंट पढ़ा, कोई जो कहते हैं द हिंदू पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें पेपर करंट से पूरा अपडेटेड होकर मैं गई थी यहाँ से। और अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट से अपडेटेड रहना। तो मेरा इंटरव्यू जब हुआ था तो उस टाइम पे 5 मेंबर्स थे बोर्ड में, एंड सिंस इट वाज द सेकंड लास्ट इंटरव्यू आई वाज ऑलरेडी वेरी एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड क्या, उस टाइम पर एक थोड़ा सा डर भी रहता है, एंग्जाइटी भी थी। तो मैं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे ही मैं एंटर किया आई वाज एक्चुअली नम फॉर 1 मिनट, लिटरल 1 मिनट, एंड 1 मिनट वहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ होती है। चेयरमैन मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मुझे जवाब ही नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज एकदम से सिंस इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस आई गॉट नाउ। तो एक दिमाग में ये भी चला कि ये इंटरव्यू में तो नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन, बट देन यू नो आई, एक आप अपने आप को संभालते हो कि चलो दिस इज माई इंटरव्यू, लेट्स जस्ट फेस इट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंटरव्यू में पहले ही किसी ने, उन्होंने मुझसे पहले 2 सवाल पूछे, आई वॉज एबल टू रिस्पॉन्ड। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा बिकॉज यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आई वॉज एबल टू कॉम्प्रिहेंड वो बोल क्या रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आई गैदर्ड माई सेल्फ, और फिर इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बेसिक सवाल पूछे, सोशलिज्म कैपिटलिज्म इस तरीके के सवाल पूछे थे उनमें डिफरेंस, और मुझसे बेसिकली बिकॉज दे न्यू कि मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो थैंकफुली उस टाइम मुझे 2 साइकोलॉजिस्ट मिल गए थे वहाँ पर, एक साइकोलॉजिस्ट हमेशा रहता है वहाँ पर, मेरे टाइम पर 2 थे, तो एक थे उन्होंने मुझसे साइकोलॉजी पर काफ़ी सारे सवाल पूछे, सिंस आई हैव अ वेरी डीप इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, तो मेरी उनसे काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुई रिगार्डिंग साइकोलॉजी, काफ़ी डिटेल में उन्हीं से बातें हुई। बाकी उन्होंने मुझसे जैसे कुछ उनके दिमाग में कुछ रीसेंट चलता है वो पूछते हैं, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा डीजे का क्या फुल फॉर्म है, कोई सुबह से बता नहीं पाया है, आप अगर बता दें तो। तो मैंने, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा, पहले मुझे लगा जो मन में चल रहा था जवाब, मुझे लगा शायद ये गलत हो, शायद ये ना सुनना चाह रहा हूँ, पर फिर लगा बोल देती हूँ, तो मैंने बोला डिस्क जॉकी मतलब होता है, एंड देन ही वाज वेरी हैप्पी कि यही सुनना चाह रहे थे हम सुबह से। फिर वही डिस्क जॉकी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कॉन्सेप्ट, आई टोल्ड हिम सर इतना आइडिया नहीं है मुझे। वहाँ पर एक चीज़, इंटरव्यू में आपको ये कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि आई डोंट नो द आंसर टू इट, आप बिल्कुल बोलिए, वहाँ पर आपसे कोई ये नहीं जानने बैठा कि आप वो पूछते जाएँ या बताते जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से क्वेश्चंस आपको जवाब नहीं पता होंगे, बट ग्रेसफुली बोलिए, जो मुझे सिखाया गया था शायद वो चीज़ें मैं नहीं कर पाई, उनके क्वेश्चन खत्म होने से एक आध बार मैंने बोल दिया होगा, बट फिर आप अपने आप को कंपोज कर लीजिए कि हाँ सुनिए क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो सवाल जो उन्होंने मुझसे ये भी एक सवाल पूछा था कि जो पॉलिसीज होती हैं वो फेल क्यों हो जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी की, इतनी चलती क्यों नहीं है। तो मेरे हिसाब से बस उस टाइम बस दिमाग में आया था कि वहाँ पे जो होता है टॉप डाउन अप्रोच होती है, मेरे हिसाब से जो मुझे आज भी लगता है बॉटम अप अप्रोच नहीं होती है। पहले आप समझिए कि चाहिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब आपने बैंक खोल दिया, पता चला वहाँ पे कोई उनको कागज़ भरवाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, पहले
इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, फिर कोई पॉलिसी अपनाइए, मेरा ये मानना था। तो मैंने उनको वो जवाब दिया जिससे वो काफ़ी खुश आए, समझ आए थे मुझे। बाकी जो ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा, और ये भी नहीं होगा कि आपको सारे मेंबर्स विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ योर आंसर्स। मेरे केस में तो चेयरमैन ही मुझसे कुछ नहीं, वो फिलॉसफी के शायद रहे होंगे, उन्होंने मुझसे आत्मा और समय के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा। पर वहाँ पर एक होता है, उनके दिमाग में एक सर्टेन आंसर होता है, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज विल कीप आस्किंग। तो मेरा ऐसा था कि मैंने कुछ जवाब दिया, ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, बट ओवरऑल बाकी जो चार बोर्ड मेंबर्स थे उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अच्छे से दिए थे, एटलीस्ट दे सीम सेटिस्फाइड, और नंबर भी मुझे अच्छे मिले थे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू का बस ये कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है, देखिए सिखाया बहुत कुछ जाता है, मैं आज यहाँ इंटरव्यू देने बैठी हूँ पहली बार, तो मुझे भी एक नर्वसनेस ज़रूर होगी। डू नॉट थिंक की नर्वसनेस नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि यू बी वेरी, इवन इफ यू हैव टेकन अलॉट मेनी मॉक इंटरव्यूज, बट स्टिल वो एंग्जाइटी फेसिंग द रियल इंटरव्यू इज कम्प्लीटली डिफरेंट। गोइंग इन टू दैट एनवायरमेंट इन फ्रंट ऑफ फाइव पीपल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम एज इन मॉक इंटरव्यूज। मैंने कभी लिया नहीं है मॉक इंटरव्यू, सो पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा बस ये है कि आप जो भी बोलिए कॉन्फिडेंटली बोलिए, बहुत ज्यादा आप अपनी तैयारी जब फुल रखेंगे ना तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस वहां पे आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू आई फंबल्ड, मैं नंब हो गई थी टू बी प्रिसाइज इनिशियली, तो और उसके बाद फिर टू रीगेन योर एक स्ट्रेंथ की हाँ चलिए अभी इंटरव्यू देना है, तो वो हो गया एंड आई गॉट गुड मार्क्स इंटरव्यू में, मुझे अच्छे नंबर मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि यू सपोज टू सेट, बाहर आके आपको लगेगा कि अरे एक बोर्ड मेंबर ने, उनको मेरे जवाब पसंद नहीं आए, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको पसंद आएंगे, एंड इन मोस्ट केसेस ऐसा होता भी नहीं है, हार्डली कोई केसेस होंगे जिनमें सब सेटिस्फाइड होंगे या कुछ होंगे। एक दो क्वेश्चंस आप जरूर नहीं जवाब दोगे, एक दो क्या कई बार ऐसे होते हैं कि वो आपसे 40-50 फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, आप उसमें सोच सकते हो 10-15 होंगे, वो चीज़ होती है। तो इंटरव्यू को लेकर हाँ प्रेपरेशन जरूर करिए, जो मैं अभी भी कह रही हूँ, बेसिक नॉलेज टाइट होनी चाहिए, फैक्चुअल्स इफ यू डोंट नो सो बी इट, उसको आप हटा भी दोगे तो कोई वहां पर आप सॉरी कह सकते हो, बट आप अगर बेसिक ना बता पाओगे तो ये लगेगा यहाँ पर आपने एक तैयारी करी है एक सीरियस एग्जाम की, एंड यू डोंट इवन नो द बेसिक्स। बस बेसिक अपने हर सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, इन सबके बेसिक्स क्लियर रखिए। मेरा बस कॉन्सेप्ट यह है कि बेसिक क्लियर होने के बाद आपका जो है फैक्चुअल पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए मतलब अगर उसमें आपको कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो कोई, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन से सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आई कांट रिकलेक्ट, कोई भी चीज आप बोल के एक्सक्यूज ले सकते हैं, दे विल एक्सक्यूज यू। तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस प्लेजेंट था। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करने के लिए, थैंक यू गाइज। ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल इंटरव्यू रहा मैम का, आई होप आप सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और एक उम्मीद की किरण मिलेगी कि अगर हम लगातार लगे रहें, कंसिस्टेंटली लगे रहें, तो हम अपने मंजिल तक को एक ना एक दिन ज़रूर पा सकते हैं। थैंक यू।